इंडिया आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है और इसी के साथ इंडिया ने अपने दो रिजर्व के खिलाड़ी शुभमन गिल और आवेश खान को स्क्वाड से निकाल दिया है। कुछ रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो वो ये कह रही हैं कि शुभमन गिल को डिसिप्लिनरी इश्यूज के कारण निकाला गया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शुभमन गिल टीम के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे थे, ना टीम को चीयर कर रहे थे और बाकी अदर एक्टिविटीज में उनका ध्यान ज्यादा था, और आवेश खान को इसलिए निकाला है कि उनकी जरूरत नहीं लगी टीम इंडिया को। शुभमन गिल की जो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको डिसिप्लिनरी इश्यूज के कारण निकाला है, वो सारी शुभमन गिल ने खारिज कर दी और टीम इंडिया ने खारिज कर दी है। टीम इंडिया का ये मानना है कि अब शुभमन गिल और आवेश खान की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि स्क्वाड में पहले से ही रिंकू सिंह है और खलील अहमद है। अगर कोई चोटिल होता है बल्लेबाज तो रिंकू सिंह आ जाएंगे टीम में, या फिर अगर कोई गेंदबाज चोटिल होता है तो उनकी जगह खलील अहमद आ जाएंगे स्क्वाड में। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में इंडिया के ग्रुप की अगर बात करें तो उस ग्रुप में है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। अगर दूसरे ग्रुप की हम बात करें तो उसमें है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और यूएसए दूसरे ग्रुप में। पाकिस्तान भी काफी बेहतरीन खेली कल और उसी खेल के साथ वो यहाँ पर रवाना हो गए हैं कराची एयरपोर्ट के लिए। ऐसे ही वर्ल्ड कप से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के जानने के लिए हमारे यहाँ पर चैनल को ज्वाइन करें।